शिमला मिर्च की सब्जी है ये, टिपिकल महाराष्ट्रियन घर में जैसे बनाते हैं वैसे है। इसमें हम ढेर सारा बेसन यूज़ करें तो बेसन से क्या होता है ना, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, एकदम चटपटी टेस्टी ये डिश बन जाती है। और बस एज अ साइड डिश या फिर टिफिन के लिए भी ज़बरदस्त डिश है। एवरीवन, मैं हूँ मधुरा, वेलकम टू मधुरा रेसिपी। आज हम है ना एकदम महाराष्ट्रियन स्टाइल शिमला मिर्च की सब्जी बनाएंगे। इसे कहते हैं बेसन शिमला मिर्च की सब्जी। एवरी महाराष्ट्रियन हाउस होल्ड में ये बनती है, बहुत टेस्टी लगती है, टिफिन के लिए स्पेसिफिकली ये परफेक्ट डिश है। तो सबसे पहले हम 2 चम्मच तेल लेंगे पैन में। अब तेल में डालेंगे आधा कप बेसन का आटा, चने का आटा, और ये मीडियम हीट पर हम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक कि इसे हल्का सा गोल्डन कलर ना आ जाए। जी हाँ, मीडियम हीट पर भून लेना है और लगातार चलाते हुए कम से कम 7 से 8 मिनट तो लग जाते हैं ये भूनते भूनते। तो यहाँ पर बेसन अच्छे से भून चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर ना हल्का सा बदल गया है, चेंज हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, ज़्यादा मसाले इस सब्ज़ी में नहीं डलते, और नमक, ये करना है मिक्स और गैस कर लेंगे बंद। ऐसे ही मसालेदार और जायकेदार रेसिपीज के लिए मधुराज रेसिपी हिंदी यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, उसी के साथ डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन भी क्लिक कीजिए। तो अब सब्जी बनाने के लिए 2 चम्मच तेल गरम कर लिए हैं, उसमें डालेंगे आधा चम्मच राई। राई अच्छे से चटकनी चाहिए, अगर ये अच्छे से कुक नहीं हुई ना तो क्या होता है, वो कच्ची रह जाती है और उसका कड़वापन जब हम कोई भी चीज़ खाते तो वो इंटेंस हो जाता है। तो राई अच्छे से चटक गई, इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, जीरा जीरा भी फूलना चाहिए, हिंग 1/4 टीस्पून, लहसुन बारीक कट किया हुआ। तो ये ना लहसुन और प्याज डालना ऑप्शनल है, आप बस तेल में शालो फ्राई कर सकते हैं शिमला मिर्च, और फिर उसमें वो जो बेसन हमने भून लिया है वो डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा वेरिएशन कर रही हूँ। अब ये लहसुन अच्छे से भून चुका है, इसमें जाएगा कड़ी पत्ता, बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब ये एक साथ सुनहरा होने तक भून लेंगे। प्याज यहाँ पर अच्छे से गल चुके हैं तेल में और हल्का सा सुनहरा कलर भी आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, सके ढके तो ये 4 मीडियम साइज के शिमला मिर्च मैंने यहाँ पर लिए हैं, ये कर लेंगे मिक्स, और इसमें डालेंगे नमक। तो नमक है ना ध्यान से डालना है, क्योंकि हमने जब बेसन भुना था उसमें भी हमने नमक डाला था, तो बस ये शिमला मिर्च पक जाए और सॉफ्ट हो जाए खुद के ही मॉइस्चर में उतना ही बेसन हमें डालना है। अब इसे कवर कर कर कुक कर लेंगे 4 से 5 मिनट। शिमला मिर्च है ना फटाफट कुक हो जाती है तो ज़्यादा समय नहीं लगता, और ये शिमला मिर्च है ना बीच बीच में 2-3 मिनट होने के बाद कवर निकाल कर इसे मिक्स कर लेनी, अदरवाइज ये पैन में ना नीचे जल ना जाए। तो ऐसे बीच बीच में निकाल कर ढककर निकाल कर इसे कुक करते रहना। तो अब बस 5 मिनट ही मैंने ये मीडियम हीट पर कुक कर लिया, और आप देख सकते हैं ये शिमला मिर्च है ना अच्छे से सॉफ्ट बन चुके, सॉफ्ट हो गई है। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम इसमें डालेंगे ये भुना हुआ चने का आटा, ये करना है मिक्स। तो आप देख सकते हैं ये ना बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, चीनी डालना ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हो, और नींबू का रस, नींबू का रस ज़रूर डालिए, या फिर नींबू का रस नहीं है तो चाट मसाला, इससे ना बहुत चटपटा टेस्ट आ जाता है इस सब्ज़ी को। अब ये करेंगे मिक्स, पानी वगैरह बिल्कुल नहीं अब इसमें ऐड करना है। अब क्या करना है ना, अच्छे से मिक्स हो गया तो अब इसे कवर कर कर
लो टू मीडियम हीट पर, एकदम लो टू मीडियम हीट पर 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि बेसन है ना, जो शिमला मिर्च का मॉइस्चर है उसमें ही ये बेसन हमें कुक कर लेना है। तो पानी नहीं डालना है और ढक कर इसे स्टीम कर लेना है लो टू मीडियम हीट 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर परफेक्टली 10 मिनट लो टू मीडियम हीट पर मैंने ये सब्जी स्टीम कर ली है। वाव, देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है। ये बेसन जो हमने डाला है ना, वो एकदम सॉफ्ट हो चुका है, पानी बिल्कुल भी यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ। और अब इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए धनिया। चलिए ये भी कर लेते हैं मिक्स। और ये हमारी बेसन वाली शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनकर तैयार है। आप ऐसे ही खा सकते हैं साइड डिश करके, चावल के साथ, रोटी के साथ, टिफिन के लिए परफेक्ट है ये डिश। बहुत चटपटी लगती है, मेरी तो ऑल टाइम फेवरेट है। फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही चटपटी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मधुर रेसिपी।